क्या क्या अरे ओ यस और साथ में वंदना भाभी के हाथ की चाय ये लीजिए अर्षद भाई चाय अरे एक सेकंड मैं भी आया ओह माय गॉड यदि अभी चाय थैंक यू हां खाएंगे थैंक यू ओह माय गॉड इस 26 जुलाई ने मुझे 2005 वाली 26 जुलाई की याद दिला दी कितना भयानक दिन था वो आपको पता है मैं उस दिन गोरे गांव से बोरीवली ऐसे इतने इतने पानी में चलकर आया और अचानक मेरा पांव फिसला और मैं 5 फीट गड्ढे में जा गिरा अरे बाप रे फिर वंदना भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं बच गया अरे रे 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 ए पंटर व्हाट अरे रे रे मतलब तू ऐसे बच गया इसके लिए अरे रे ऐसा नहीं निकला वो क्या तू गंदगी भरे गटर में गिर गया ना ये सोच कर ऐसा अरे ऐसा निकल ओ पंटर शट योर मसाला माउथ समझा वो गड्ढा था गटर नहीं था हाँ लेकिन तू गिरा फिर वो गटर बन गया ना ओह माय गॉड वरना भाभी ये पंटन मेरा अपमान किया जा रहा है इसलिए मैं इस पकौड़ा पार्टी का घनघोर विरोध करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ यम फॉलो मी व्हाट फॉलो मी मैं को बैठ जाओ बैठे ही हूँ तो अरे वैसे भी घर में किट्टू अथर्व और विद्युत टीवी देख रहे हैं फिल्म देख रहे हैं और दकू वो दोस्त ही है जो गड्ढे को बनाते हैं गटर वाह बाकी सारे छिले हुए मटर बाकी सारे छिले हुए मटर बाकी सारे वो मटर के पकोड़े भी हैं मटर नो दकू भाई प्लीज प्लीज बैठिए ना प्लीज ओह माय गॉड वन्ना भाभी आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ देवी तुल्य वन्ना भाभी प्रणाम मजा इसको भी आ रहा है भाई हाँ। जाना ये भी नहीं चाहता है खाली नाटक करता है खाली झालर कहीं का अच्छा अच्छा ओ अर्षद भाई आपकी कहानी बताइए ना आप कहाँ थे 26 जुलाई को अरे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है राजेश भाई हां उस दिन ना क्या हुआ कि मैं और मेरे ब्रोकर दोस्त ओ मार्केट टाइम पे ट्रेडिंग में बिजी थे जैसे ही मार्केट टाइम खत्म हुआ तो सब लोग अपने घर के लिए निकले मैं क्या देख रहा हूँ ये पूरे एरिया में ये गले तक पानी भरा हुआ है अरे बाप रे फिर क्या उधर ही एक दोस्त की ऑफिस में रुक गए हम लोग अरे फिर रात को ये बड़े बड़े छे छे सात सात चूहे घूम रहे अरे बहुत मजा आया राजेश भाई मजा आया चूहे दौड़ रहे थे तो अरे बताता हूँ क्या है हम लोगों ने ना उस चूहे के नाम रख लिए हाँ। एक का नाम गोलू हाँ। कालू हाँ। राका दकू सुन रहा है ना तू तो ऐसे सबके नाम रख लिए और जहां से चूहा निकल रहा था ना उसके सामने की साइड पे दूसरे छोर पे वो एक ब्रेड का टुकड़ा रख लिया और सब लोग ने ऐसे सट्टा लगाना शुरू कर दिया कि कौन सा चूहा पहले जाके ब्रेड खाएगा अरे पूरी रात ऐसे सट्टा चलते रहा मजा आ गया हाँ कभी वो कालू जीते कभी राका जीते दक्कू उधर भी नहीं जीता हर्षद भाई अबे बस ने ए पंटर उधर भी नहीं जीता का मतलब क्या वन मजाक कर रहे हैं दक्कू भैया वंस सटोरिया ऑलवेज सटोरिया हाँ मुक्का मारो मुक्का कुंभ का कुंभ Oh my God! क्या बात है दक्कू भाई यामिनी भाभी इस पर एक गाना हो जाए हाँ एक डुएट मजा आ जाएगा मधु प्ले करो I'm tired. What? मेरी डांस पार्टनर इतनी जल्दी टायर हो गई नहीं वो एक्चुअली बात है कि वो सब लोग अभी तक आए नहीं ना हमें केक कटिंग करके बोरीवली भी पहुंचना है और बारिश इतनी हो रही है एंड डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कोल्ड ओके वेट मेरे पास एक ऐसी चीज है वो पीते ही तुम्हारा सारा ठंडी भाग जाएगा ओके वेट मैं अभी लाता हूँ फंस गए पूरी तरह फंस गए मैं पहले ही कह रहा था कि घर चलते सौमिन टेंशन हमारी नहीं है हम तो किसी भी तरह घर पहुंच जाएंगे लेकिन गुनगुन सखी के बगैर घर पहुंची ना तो वाट लग जाएगी अगर मुझे पता होता ना कि सारा प्लान गुनगुन ने विवान और सखी को क्लोज लाने के लिए किया है तो मैं सखी को लिए बगैर आता ही नहीं क्यों तुझे क्या प्रॉब्लम है उन दोनों के कपल बनने में बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर
दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है गाइस, दे आर पोल्स अपार्ट, दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों के चॉइसेस अलग है गाइस। अब कल की बात ले लो, विवान जो कॉफी मग के लिए चिढ़ा था वो पता है किसने सजेस्ट किया था? सखी ने। इसका मतलब सखी को जो चीज बेस्ट लगती है वो विवान को चीजी और फालतू लगती है। कॉफी? ओह, सच सच बताना, जब मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसी चीज पिलाऊंगा जिसको पीकर तुम्हारा ठंडी भाग जाएगा, तब तुम कुछ गलत समझी थी ना? सच बताओ तो हाँ, सॉरी, सो सॉरी। मतलब तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती? हाँ? You know, this was the beauty of Anvita. उसने मेरे पे आज तक इतना सा भी डाउट नहीं किया था, not even a little, बिल्कुल भी डाउट नहीं किया था उसने। बट आजकल तो उसको मेरी हर छोटी चीज पे रहम होता है। You mean to say वहम? Yeah, वहम। I don't know why she thinks I'm two timing her, and हर आधे घंटे में वीडियो कॉल करना है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, क्यों हो, all that stuff. And तुम्हें पता है, अभी अगर मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता ना, तो उसके 50 कॉल्स आते मेरे को, 50 कॉल्स। मैं आज अपना फोन स्विच ऑन करूंगा ही नहीं। विवान, शायद उसे तुम्हारी चिंता होगी। No, there is no चिंता। वो आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तुम्हें पता है, सोमिल ने ये कप मुझे जो दिया था ना मेरे प्रीवियस बर्थडे पे, ये मुझे बुरा नहीं लगा था। लेकिन तुमने कैफे में कहा कि तुम्हें पसंद नहीं है। सच कहूं? हाँ। पता नहीं कहाँ से अनविता के दिमाग में ये बात आई कि इवन दो सोमिल ने मुझे ये मग दिया है, ये आइडिया तुम्हारा था। So, you love this mug? मतलब अनविता was right, ये तुम्हारा ही आइडिया था, right? हाँ मम्मा। हेलो सखी, सखी कहाँ हो तुम, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मम्मा वो हम सब विवान के घर पर आए हैं, आज विवान का बर्थडे है ना, तो बस केक कटिंग करके निकल ही रहे हैं। अरे व्हाट डू यू मीन विवान के घर आए हुए, बताएगा कौन? हाँ, बाहर इतनी बारिश हो रही है, ट्रेन बंद पड़ गई है, इनफैक्ट पानी हर जगह भर गया, और तुम कह रहे हो तुम्हारी निकल रही हो। मम्मा मम्मा डोंट वरी, हम सब साथ में ही है, आ रहे हैं, हाँ निकलेंगे, बाय। अरे बेटा बट ओह गॉड, हर जगह पे पानी भर रहा है और पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। मैं निकलूं क्या? गुनगुन, कमाल लड़की फोन काट दिया, बोल रही है कि सारे फ्रेंड्स विवान के घर गए हैं, उसका बर्थडे, तो कुछ केक कटिंग करके निकलेंगे। अजीब हाल है, पता कैसे चलेगा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।